क्या ऋषभ पंत इस नए एरा के मास्टर ब्लास्टर है? 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के चीफ सेलेक्टर है एमएसके प्रसाद ने ऋषभ पंत को वो नाम दिया है जिस नाम से सचिन तेंदुलकर को लंबे समय तक जाना और पहचाना जाता रहा है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एमएसके प्रसाद ने ऋषभ पंत को लेके कहा क्या कुछ है। कहते हैं ही हैज प्लेड मेनी मैच विनिंग नॉक्स विद एन इंपॉर्टेंट मेंशन ऑफ द नॉक ही प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। This is the sign of a hallmark player. The moment we think about Rishabh Pant, we think him as a master blaster. Master blaster की बात यहाँ पे कर दी है, तो एक बार comparison जरूर करना बनता है सचिन तेंदुलकर versus Rishabh Pant in Test cricket. तो सचिन ने 200 मैच के लिए 15,921 रन बनाए, 58 का एवरेज, 248 बेस्ट है और 51 सेंचुरी यहां पर शामिल है। वहीं पे अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो 36 मैचेस खेले हैं, 2,551 रन इन्होंने जड़ दिए हैं। एवरेज की मैं बात करूं तो 44.75 बेस्ट इनका रहता है, 159 नॉट आउट और 6 शतक इसमें शामिल है। तो ऋषभ पंत आज के इस एरा के मास्टर ब्लास्टर बन सकते हैं, लेकिन अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर ने ऋषभ पंत की तारीफ की थी, क्या कहा था देख लेते हैं। उन्होंने कहा था ऋषभ पंत वाज इन फुल फ्लो टुडे एंड इनिंग्स फुल ऑफ इंटेंट एंड टॉप स्टफ। तो यूं तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो रन मशीन किंग कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, हिटमैन रोहित शर्मा है और ऐसे कई मैच विनर है, लेकिन ऋषभ पंत को लेकर जो है वो क्यों कहा जाता है कि वो एक बड़े खिलाड़ी है और जब भी वर्ल्ड गावस्कर ट्रॉफी की बात चलती है उनका जिक्र जरूर आता है। क्यों रहता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऋषभ पंत के आंकड़े हम देख लेते हैं वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 7 मैचेस खेले, 12 इनिंग्स खेलने को मिली, उसमें रन इन्होंने जड़े हैं 624। एवरेज की हम बात करें 62.40, 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। तो आपको ये बता दें कि कैसे लगातार जो है वो तीसरी बार टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर सकती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एमएसके प्रसाद का स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है ही इज एज इम्पॉर्टेंट एज द मोस्ट सीनियर क्रिकेटर्स ऑन द साइड, पंत हैज सेंचुरीज अगेंस्ट सीनियर कंट्रीज। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन जड़ने वाले प्लेयर्स में से एक हैं ऋषभ पंत। तो सबसे पहले इसमें विराट कोहली आते हैं, 25 मैच खेले हैं, 2,042 रन बनाए हैं, 47 का एवरेज है और 186 बेस्ट है। फिर आते हैं हिटमैन यानी रोहित शर्मा, 12 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 708 रन बनाए हैं, एवरेज है 33.71 का एंड बेस्ट रहता है 120। और फिर आते हैं ऋषभ पंत, 7 मैचेस खेले, 624 रन है, 62.40 का जो है इनका एवरेज है एंड बेस्ट रहता है 159 नॉट आउट। सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम देखते हैं इस लिस्ट को तो तीसरे नंबर पर नजर आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और जहां तक एमएसके प्रसाद की बात है, वो एक बात और बोल रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत का और उसके बाद से उन्होंने कमबैक कराया, तो चाहे आईपीएल हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे बांग्लादेश की सीरीज हो, हर जगह पर ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा अच्छा हुआ है और ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बार जो है इंडियन टीम में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसे कई खिलाड़ियों के साथ जो है टीम इंडिया पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इतने टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे ऋषभ पंत पहली बार, मैं आपको बता दूं इंजरी के बाद, तो कहीं ना कहीं देखिए पुजारा की कमी हमें महसूस होने वाली है और इसी वजह से टीम इंडिया में ऋषभ पंत का किरदार जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा सूट करती है, आपको एक स्टैंड दिखा देते हैं। अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो अगेंस्ट पे उनका स्ट्राइक रेट 188 चला जाता है और अगर स्पिन की बात करी जाए तो यहाँ पर सिर्फ 114 है और करियर स्ट्राइक रेट जो है वो ऋषभ पंत का 74.29 है। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर इंडियन सिलेक्टर जो है उन्होंने ऋषभ पंत के साथ सरफराज खान के स्टेलर परफॉर्मेंस की या कह लीजिए बैटिंग की तारीफ करी है जो बेंगलुरु टेस्ट में इन्होंने खेला और वहीं से नाम इनको दे दिया गया मास्टर ब्लास्टर। उन्होंने कहा आई थिंक अलॉन्ग विद ऋषभ सरफराज ऑल्सो डिजर्व्स क्रेडिट, दे बोथ बैटेड रियली वेल एंड टुक इंडिया आउट ऑफ दैट डेंजरस पोजीशन। बिल्कुल, और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो टी20 के अंदाज में ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी इससे खौफ खाते हैं। पैट कमिंस हो, नाथन लियोन, लायन हो या फिर कोई और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो, सभी यही कहते हैं। तो पैट कमिंस का एक स्टेटमेंट आया हालिया, एक बार देख लेते हैं। पैट कमिंस ने जो है ऋषभ पंत को एक्स फैक्टर कहा, लेकिन यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये हो जाएगी कि यहाँ पे तारीफ तो कर रहे हैं ऋषभ पंत की, लेकिन एक बयान में ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जितने भी सेटबैक्स रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के इंडिया के खिलाफ उस पर वो काम करने वाले हैं और इस बार खेलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बदले को मन में रख के जो है मैच खेलते हुए आगे नजर आएंगे। तो सवाल यही बनता है कि क्या ऋषभ पंत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के खत्म होने के बाद बिग थ्री में शामिल हो पाएंगे, जहां पर आपको विराट कोहली और उसके साथ साथ रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या नए एरा के मास्टर ब्लास्टर बन सकते हैं ऋषभ पंत, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं।